ऐसे कैसे आ रही है? क्या दुख आ रही है? तो ऐसे कैसे आती हूँ? तुम बहुत सारे जुल्म में बस कमेंट्स आते हैं कि हम भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको ये बोलना चाह रही थी, लिंक्डइन ऐप डाउनलोड करिए और अपना प्रोफाइल बनाइए, आप एचआरस को फॉलो करिए, डेफिनेटली मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्विस लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे अपने अपने घरों में। और मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ खो गई। मैं खोई नहीं थी, मैं यहीं थी, बट मेरी ना अभी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो अभी मैं ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ, ऑफिस का काम भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। 1 मंथ मैंने ब्रेक लिया है क्योंकि मुझे बहुत डिप्रेशन, एक्साइटी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं ऑफिस का काम भी नहीं कर रही थी। और तो अभी मैं बहुत रेस्ट कर रही हूँ, कोई ऐसा बीमार नहीं, बट मैं बहुत अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, देन ही सजेस्टेड मी कि आप ब्रेक लो, क्योंकि इतना सारा वर्क प्रेशर हो गया था। आप भी देख रहे थे कि लाइक मैं घर का काम भी कर रही हूँ विदाउट एनी मेड, ऑफिस भी देखती हूँ, यूट्यूब भी कभी कभी डाल देती थी, तो इतना सारा काम हम कर नहीं पाते इतनी जल्दी। हाँ, अगर काव्य को हेल्थ इश्यूज नहीं होते तो हो जाता, बिकॉज मैं आपने देखा होगा 15 से 15 दिन काव्य की कैप नहीं थी, तो आई एम ऑफिस आवर्स के बाद बिटवीन ही मैं काव्य को लेने जाती थी, फिर छोड़ने जाती थी, तो बहुत हैक्टिक सा हो गया था। आई डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक और अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ कम्प्लीटली। और अभी 11 बज रहे हैं और 4 बजे मैंने खाना वाना बना लिया था, काफ़ी स्कूल चले गए, उसके डैडी ऑफिस चले गए, लंच ले गए, बट आई डिडंट शूट एनी वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू रिलैक्स। चल फिर उनके जाने में मैं फिर से सो गई थी, और आज फ्राइडे मेरा फास्ट है, तो अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो नहा धो के पूजा करके ये खा रही थी मैं मूंगफली और मीठी चाय, और शाम को मैं बस खीर खाती हूँ जो मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ। तो थोड़ा सा आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग फिर से, मतलब रेगुलर वाला, क्योंकि अभी मैंने जो ब्रेक लिया क्योंकि ऑफिस में भी वर्क स्ट्रेस बहुत हो गया था। एंड मैं आपको बहुत सारे जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और मुझे क्या जॉब मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं ब्रेक पे हूँ, लास्ट जन्माष्टमी से मैं ब्रेक पे हूँ, फॉर 1 मंथ आई एम ऑन अ ब्रेक बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज। मतलब एक ही कंपनी में कर करके पक गए हैं, मतलब पहले मैंने 8 ईयर्स किया सेम कंपनी, रीजॉइन किया 2 ईयर्स से, नाउ दे आर प्रेशराइज मी, लाइक सैलरी भी कटती है मेरी, आई मीन सेल्स मार्केट पर आई एम नॉट एबल टू अचीव सम टाइम टारगेट, ऐसा नहीं होता सेल्स में आप हमेशा अपना टारगेट अचीव करो, तो मैं 100% देने के बाद मैं काम नहीं कर पा रही थी सही से, क्योंकि घर में भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला मदर लॉ को बुला लो, मम्मी भी आ गई है, उन्होंने बुला लिया है, बट हाँ उनसे इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती नहीं है मुझे, क्योंकि नाश्ता वाश्ता मॉर्निंग का सारा मैं ही करती हूँ। नाम सर्चूंगा जॉब फ्रॉम लिंक्डइन, तो मैं आप सबको ये बोलना चाह रही थी, लिंक्डइन ऐप डाउनलोड करिए और आप अपना प्रोफाइल बनाइए, आप एचआरस को फॉलो करिए, उनको कॉन्टैक्ट करिए, उनको मैसेज से बोलिए आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, अपना CV फॉरवर्ड करिए, डेफिनेटली मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनी है मार्केट, मैंने अभी अप्लाई भी किया है, आई डोंट नो कि मैं सेलेक्ट हुई हूँ कि नहीं, अभी कॉल तो आ रही है, अकॉर्डिंग टू मी अभी प्रोसेस में है। फ्लिपकार्ट है, वर्क फ्रॉम होम बता रहा करा कल्चर है वहाँ का, अमेजोन है वर्क फ्रॉम होम है, मीशो है वर्क फ्रॉम होम है, ऐसा नहीं होता कि वहाँ सेल्स प्रोफाइल होते हैं, वहाँ बैकेंड्स होते हैं, HR भी होते हैं, एंड माई सिस्टर लॉ वर्किंग naukri.com और मेरे बहुत सारे फ्रेंड naukri.com में करते हैं, उनके काफ़ी सारे पोर्टल है, makaan.com बहुत सारा, तो ऐसा नहीं है naukri.com में तो नौकरी से रिलेटेड प्रोफाइल होते हैं उनके, और भी काफ़ी सारे पोर्टल्स उन्होंने बाय किए हैं, तो वहाँ पे भी वंस इन अ वीक जाना होता है या ट्वाइस इन अ वीक, तो इन माय ऑर्गेनाइजेशन अलाउ मतलब वर्क फ्रॉम होम कल्चर ही था, इन माय टीम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई बरेली में कोई कहाँ है इवन दे आर हायर, क्योंकि मुझे 2 साल अगर वर्क प्रेशर, दे आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम मई एंड मेरा इंसेंटिव नहीं आ रहा था, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मेरा काफ़ी सारे डिडक्शंस होते थे, 6,000 जैसे अमाउंट डिडक्ट हो जाते थे मेरे,
उसके बाद मैं कोई कंप्लेन नहीं दूंगा, आई एम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। बट जब उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाने के लिए प्रेशर किया, आई सेड कि मैं वीक में 2 दिन आ सकती हूँ, क्योंकि तो उन्होंने कहा नहीं पूरे वीक आना है आपको। आई सेड कि मेरी मदर लॉ भी नहीं है मेरे साथ, उनको बुलाऊंगी। तो नहीं नहीं आपको आना है। अब मैं नेबर को तो नहीं छोड़ सकती ना अपनी डॉटर, तो आई सेड कि मुझे अभी ब्रेक चाहिए, जब से हम तक 1 मंथ लगेगा मेरी मदर लॉ को आने को मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी लीव्स थी जो मैंने अप्लाई नहीं की थी। तो आई टेक ए ब्रेक नाउ, आई एंजॉइंग द माई लाइफ एज अ हाउस वाइफ, फीलिंग वेरी अच्छा अच्छा लग रहा है। पति के पैसे खर्च करना, रिलैक्स होके सोना, दिन में सो जाना, खाना बनाना अपनी मर्जी से करना, कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं। आज से 2 साल पहले मेरे लाइफ ऐसी थी, 2 या 3 साल पहले, 4 साल का जो ब्रेक था। तो प्लानिंग टू ज्वाइन अ योगा एट इवनिंग योगा, जो 4 बजे 5 बजे से होती है, तो दूर था पहले वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे बनार जाने में, लगता बनार आने, तो करूँगी धीरे धीरे। बिकॉज अभी पहले काफ़ी छोटी थी तो उसकी स्टडीज़ का इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि स्कूल जाती थी, स्कूल में स्टडीज़ होती थी, टीचर्स अच्छे थे। तो अभी काफ़ी पढ़ाई हो गई है, केवी में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं है बट स्टार्ट हो गई है, और वो पढ़ के नहीं आती है बिल्कुल भी। तो मुझे पेरेंट्स से पूछना होता है क्लास में क्या हो, मैं घर में कराती हूँ प्रैक्टिस, फिर शाम 7 उसका थेरेपी होता है, तो शाम को टाइम ही नहीं, बट मैं निकालूंगी अपने लिए और करना पड़ेगा। पहले मैं सुलम सुलम सी थी, और आज मैं आपको अच्छी भी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत, मेरी काफ़ी टाइम से नींद नहीं पूरी हो रही थी, जो अब मैं पूरी कर रही हूँ। अब मैं सोच ही नहीं रही किसी चीज़ के बारे में, तो बस यही था। मैं चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो गई, फिर मैं आज का शेयर करूँगी। काफ़ी स्कूल से आती है तो हाउ शी इज़ रिएक्टिंग और कैसा करती है, आपको अच्छा रहेगा। ओह अभी मैं आई हूँ, 12 बज रहे हैं, 12:20 हो रहे हैं, और काव्या का कैब का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा पार्क में वॉक भी कर लेते हैं। वैसे 12:30 आ जाती थी, अभी ना एक बच्चा और ऐड हो गया है, तो उसकी वजह से 1 बजे पहुँचती है काव्या, तो मुझे वॉक करने का मन ही नहीं करता। अभी घर पे हूँ तो मैं अभी वॉक कर रही हूँ, मैंने कहा चलो वॉक कर लेती हूँ, जो ट्री की जो शेड्स है ना वहाँ पे थोड़ा कर लेते, वरना धूप तो बहुत तेज है, और थोड़ा कभी मतलब ऐसा वेदर हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव, तो मेरी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर होके आ रही होगी। यहाँ पे आंटी भी देखती हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ट्राई कर रहे हैं ब्लॉगिंग करना रेगुलर। दिखाऊंगी आज काव्य को आपको ना, तो मैं आपको थोड़ा सा पार्क दिखा देती हूँ, कितनी ग्रीनरी, ये चीज़ें मैं मिस करती थी दिल्ली में ना। ये भी दिल्ली है, NCR में आता है हमारा जो लोकेशन है, बट दिल्ली में क्या होता है कि आपको कार पार्किंग नहीं मिलती, सो मेनी थिंग कॉस्टली होता है, और मतलब जितना बड़ा हमारा घर अगर दिल्ली में लोग तो करोड़ में होगा, तो हमने NCR में लिया, तब बहुत पहले ले लिया था तो सस्ता मिल गया था, अब तो कॉस्टली हो गई जगह यहाँ पे भी। चलो बैठ के बात करते हैं। यहाँ पीछे म्यूज़िक बज रहा है, आज मेरे एक वीडियो में मैं ना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने नोटिस नहीं किया, और उसमें कॉपीराइट आ गया, मैंने कहा आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। व्यूज़ कितने आते हैं, 32-35, कोई देखता ही नहीं मेरा चैनल, ये मुझे लगता है लोग क्वालिटी कंटेंट नहीं, बट जब मैं किसी और की वीडियोस देखती हूँ तो उनका भी क्वालिटी कंटेंट नहीं होता, बट उनको आप देख रहे होते हो, जो फेमस होता है लोग उसी को देख रहे होते हैं कि 1 मिलियन व्यू है तो क्या है ऐसा, या 10,000 व्यूज़ आ गए तो ऐसा क्या है, तो इसलिए लोग देखते हैं। तो आज मैं ना एक यूट्यूब पे हूँ तो मैं ब्लॉग्स देखती हूँ, अभी टाइम है तो देखती हूँ, यूपी सितारा यासीन का देखती हूँ, मुझे बहुत फेक लगती है। मतलब अभी उसने अपनी आईब्रो शेव कर ली, बाल काट लिए, एंड नाउ शी अपलोड एड वीडियो, उस पर 3-2 मिलियन व्यूज़ आ गए, और फिर पता चला उसकी कोई सिस्टर है, उसकी वजह से उसने ऐसा किया, सिस्टर उसकी वजह से क्या, उसकी सिस्टर ने आरोप लगाए हैं, वो अभी अरब घूम के आई थी तो कि मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर है। मुझे तो लगता है ये पब्लिक स्टंट है, इन लोगों को पता चल गया कैसे पैसे कमाए जाते हैं। और सितारा यासीन कह रही है मैंने अभी 80 से 90 लाख अपनी बहन को दिए, गाड़ी भी ली है और भी, और वो पैसे मांगे वो मैं नहीं दे पा रही, तो इसलिए उसने ऐसे आरोप लगाए हैं। तो ये सब चलता है यूट्यूब पे, मसाला तड़का दिया लर्न, उसने अपने पति की सेकंड मैरिज दिखाई तो वायरल हो गई, और अभी उन्होंने घर भी लिया बहुत बड़ा सा, तो यूट्यूब से इतना अर्न कर रही है वो, iPhone 12, iPhone 13, उनके लिए आम बात हो गई।
तो पति का भी ब्लॉग चल रहा है, सिस्टर का भी चल रहा है, सिस्टर ने अपलोड कर दिया है सब उसका भी चैनल, उसके उस वीडियो पे भी 2 मिलियन व्यू। तो मतलब समझ रहे हो मिलियंस पे कितना 30 मिनट्स का वीडियो फुल वॉच किया जाता है, जो कि कुछ चीज़ स्किप होगी तो कुछ सुनने में नहीं आएगा, कोई प्रूव नहीं होते, लोग उस पर रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन भी वायरल हो जाता है, ये सब चलता है। सिंपल लाइफ किसी की नहीं वायरल होती, मुझे पता है मेरा भी चलेगा जब मैं रेगुलर रहूँगी, मैं 2 या 3 दिन में एक अपलोड करती हूँ, डेली कैसे अपलोड कर दूँ। अब मम्मी आ गई हैं तो करूँगी मैं, अभी तो मैं अपना को रिलैक्स कर रही हूँ। मैं काव्या के पापा को फ़ोन करती हूँ अभी कब तक आएगी, पूछती हूँ फ़ोन किया है कि नहीं। पहले स्कूल था तो अभी इसको वहाँ पे आप देख रहे हो रूम, तो ये किसी ने अपना जिसका घर है उसने बहुत प्लॉटिंग कर दी थी, वो हटा के रूम बनाया है स्टोरेज, उस आई टी के फंक्शन का सामान होता है यहाँ पे। और ये इस तरह से पार्क है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत झूले हैं जो बच्चों के लिए नफ हैं, और ये पूजा का स्थान है, यहाँ पीपल का पेड़ है, मुझे पत्ते चाहिए थे तोड़ सकते हैं। ऐसे कैसे आ रही है, क्या दुख आ रही है, तो क्या हो गुड्डो, गुड्डी गुड्डो क्या हुआ, गुड्डो क्या हुआ तुम्हारे, काय पीछे ड्रेस कैसे गंदी हुई है, हैं ड्रेस कैसे गंदी हुई, नहीं पिटाई करे, नहीं ऐसे कैसे आती तुम, पढ़ाई की थी, तो बोतल का पानी कहाँ से गया, पानी गिराया था। तुम ऐसे कैसे आती है स्कूल से घर, दिखा तो दो क्या हुआ घुटनों में, देखे जरा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैमरे में बना वीडियो में दिखाओ, पापा को भेजेंगे वीडियो, दिखाओ ऐसा दिखाओ ना वीडियो, पापा को भेजेंगे, पानी से धो देंगे, पहले शूज तो रिमूव करो, बड़ी चालू है, दिख गए मुझे घुटने देख लिए तो क्या हुआ, इसमें रोने की क्या बात है, धो देंगे, चुपो अम्मा साफ कर दे, देखा ही तो है घुटने, दुल्हन धोना थी, दिखाओ चलो अम्मा धो देगी, जा दुलवा कर ना धो दो मम्मी घुटना, पीछे से कैसे गंदे है, ये देखो काव्या 2-3 दिन पिटाई हो गई ना इसकी, इसकी नहीं रहने, लंच काय को नहीं किया, किसका है ये, लंच क्यों नहीं किया, मैम तो कहती हेल्दी फूड लाना, लंच क्यों नहीं किया, इसे खाया था, आ गई है डर्टी हैंड्स लेके, और अब काव्या लंच करेगी जो उसने स्कूल में नहीं किया, अच्छी पिछले ओट खिला के खाना खा के नहीं जाती, और अब हम करते बाय बाय, मील अच्छा अच्छा, काव्या अपना बाय करने से पहले अपने ड्राइंग दिखाना, आज स्कूल में से हेल्दी प्लेट बनाना था, पता नहीं इन्हें एप्पल को ब्लू करा है, दिखाती हूँ आपको फ्रंट से का टेस्ट, देखो क्या करा है इसने, इन्हें ये कैरेट बनाया रेड होना था, ये चेरी है, रोटी पता नहीं क्या, एप्पल बनाया सब में, कलर अच्छा नहीं किया, कलर अकॉर्डिंग टू द मैम ने क्या है, मैम ने टिक दिया है, वेरी गुड गुड बोला। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं, हम करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। अब काव्या नहाएगी खाना खा के, नहा के नहीं जाती ना, सुबह 5 बजे उठती है बच्चा, 5 नहीं 5:30 बजे 6 बजे ब्रेकफास्ट करती है, 6:30 निकल जाती है।